अक्सर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि अगर घर की हाउसवाइफ, जो घर की होम मिनिस्टर हैं, वो बीमार हो जाएं, वो बीमार रहने लगे, तो वो घर कैसे चलेगा? ना आप खुश रह पाएंगे, ना जीवन का आनंद ले पाएंगे, ना मार्केट जा पाएंगे, ना शॉपिंग कर पाएंगे ठीक से, और कितना आप पैसा कमाएं उसका कोई भी यूज़ नहीं आएगा अगर आपकी वाइफ बीमार रहती है। मैं आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है, जिससे दवाई के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ वास्तु को अगर आप करेक्ट करते हैं तो बिलीव मी, आपके घर में डिजीज भाग जाएगी, जो आपकी वाइफ है एकदम सुपर हेल्दी हो जाएंगी। साउथ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। साउथ वेस्ट, अगर आपके घर में ओपन है, बहुत बड़ी खिड़की है, बहुत बड़ा दरवाजा है, जो कि मॉडर्न फ्लैट्स में होता ही होता है, आपके बेडरूम का साउथ वेस्ट बहुत खुला हुआ है, बहुत ही सुंदर बैल्कनी है, बट यू हैड केप्ट बहुत क्लीन रखी हुई है, बहुत नीट एंड क्लीन रखी है आपने, तो ऐसे घर में जो हाउसवाइव्स होती हैं उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। बिलीव मी, अगर आप इस डिफेक्ट को ठीक करते हैं तो डिप्रेशन एंग्जाइटी आपकी वाइफ में, हाउस लेडी में नहीं आएगी। आपको यहाँ पे कुछ क्लोजिंग्स करनी है, ऑनिंग लगानी है, बड़े बड़े प्लांटर्स लगाने हैं, पाम के पौधे लगा सकते हैं, और किसी न किसी तरीके से हैवी कर्टन्स लगा सकते हैं, हैवी फर्नीचर इस एरिया में आप रख सकते हैं। उपाय और भी बहुत ज़्यादा हैं, टेक्निकल उपाय भी हैं जो आप करके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके घर की किचन की, कि किचन कहाँ पर आती है। किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में आती है तो आपके घर की हाउस लेडी हमेशा बीमार रहेंगी, उनके सर में बहुत दर्द रहेगा, उनको ओवरऑल एक एनर्जी फैक्टर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, कोई ना कोई मेजर इलनेस भी उनको आ सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या लॉन्ग टर्म जो डिजीजेज होती हैं लाइफ की, जैसे कि डायबिटीज़, और ओवरऑल एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ना डिस्कस करें और सिर्फ फोकस करें डिफेक्ट पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का किचन आपके घर की हाउस लेडी को बीमार कर सकता है। बहुत अच्छे उपाय भी हैं जो कि हम बाद में इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप इस किचन में येलो कलर इन्फ्यूज़ कीजिए, कैम्फर बर्न कीजिए, गैस्ट्रो ईस्ट में कीजिए, तो आपको बहुत रिलीफ आएगा। किचन की बात चल रही है तो साउथ वेस्ट की किचन देखते हैं कि साउथ वेस्ट की किचन से क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत देखा है कि साउथ वेस्ट की किचन हाउस लेडी के नीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, फीट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, चलने में मुश्किल आ जाती है, खड़े होने में मुश्किल आ जाती है, यानी कि अर्थराइटिस हो सकता है, काफ मसल्स में पेन हो सकता है, जो नी है वो ट्रबल हो सकते हैं, और ओवरऑल एक जो चलने फिरने की एनर्जी है, भागने की एनर्जी है, इधर से उधर, उधर से इधर, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो साउथ वेस्ट की किचन भी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस किचन के बाहर एक तांबे का स्वस्तिक आपको लगाना है, कॉपर, प्योर कॉपर होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि इस किचन में आप गैस स्टोव ईस्ट में रखें, पानी नॉर्थ में रखें। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउस लेडी जो है घर की बीमार क्यों रहती हैं। वास्तु में जब हम गलत चीज़ें बनाते हैं तो उनका असर पूरी फैमिली पर पड़ता है, कोई वल्नरेबल होता है तो उसके ऊपर असर ज़्यादा आता है। साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है
तो आपके घर की हाउस लेडी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्लैडर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जितनी भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम साउथ ईस्ट के टॉयलेट से आ सकती हैं। तो हमें क्यों रिस्क लेना है, या तो टॉयलेट शिफ्ट करिए या इसकी रेमेडी कीजिए। आप अग्नि दिशा रक्षा यंत्र भी लगा सकते हैं, अग्नि दिशा रक्षा स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। तो इन उपायों को करके आप जरूर सारे वास्तु दोषों को ठीक कर सकते हैं और घर में बहुत खुशहाली लेकर के आ सकते हैं। मैं हमेशा आपको टिप ऑफ द शो देता हूं, तो आज भी देना नहीं भूलूंगा। आपने इतनी देर तक इसको सुना तो अच्छा है, आपको एक टिप बहुत अच्छी मैं दूंगा कि आपके जो पहने हुए कपड़े होते हैं उनको अगर आप अपनी अलमारी में टांग देते हैं तो घर से बीमारी नहीं जाती, घर में बहुत ट्रबल्स आने लगती हैं। तो आज का पहना हुआ कपड़ा कभी भी अपनी अलमारी में हैंग नहीं करना है आपको। ये टिप ऑफ द शो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आजमाई हुई टिप्स होती हैं। तो मैला कपड़ा सीधा धुलने जाए ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपको रीयूज करना है तो आप किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ अलमीरा में वो फ्रेश क्लोथ्स के साथ ना मिल के रहे। Om Namah Shivaya. Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.